हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आईईई रोडो के प्रॉब्लम 3.60 पर डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया था, तो आज हम इसके सेकंड पार्ट पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड कैरिंग अ चार्ज लैम्डा पर यूनिट लेंथ इज ओरिएंटेड parallel to an infinite conducting plane. The distance between the thread and the plane is equal to L. The surface charge density sigma x over the plane, where x is the distance from the plane perpendicular to the conducting surface and passing through the thread is. यानी क्या है problem, एक बार समझें। कि आपको एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन दिया हुआ है और इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन के सामने एक थ्रेड रखा हुआ है जिसका ओरिएंटेशन इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन के पैरेलल है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा इनफाइनाइट थ्रेड है जिसे मैंने इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड ओरिएंट किया है। इस इनफाइनाइट थ्रेड की डिस्टेंस इस इनफाइनाइट प्लेन से एल गिवन है और लैम्डा डेंसिटी का चार्ज इस थ्रेड में प्रेजेंट है। यहां पर लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ को प्रेजेंट कर रहा है। हमें कैलकुलेट करना है कि इस इनफाइनाइट थ्रेड की प्रेजेंस के कारण इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन में जो चार्ज डिवलप होगा उसकी सरफेस डेंसिटी क्या होगी, और ये आंसर हमें x के टर्म्स में देना है जहां x उस प्लेन से डिस्टेंस को प्रेजेंट कर रहा है जो प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इस इनफाइनाइट थ्रेड से पास हो रहा है। यानी अगर इस इनफाइनाइट थ्रेड से पास होने वाला एक ऐसा प्लेन बनाया जाए जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो उस प्लेन से डिस्टेंस को प्रेजेंट कर रहा है एक्स, और एक्स डिस्टेंस के किसी पॉइंट पर हमें सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान दें, क्लियरली इस इनफाइनाइट थ्रेड की प्रेजेंस के कारण इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन के लेफ्ट साइड फेस पर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट डिफरेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला चार्ज डेवलप होगा। आप ये समझ सकते हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इस प्लेट पे वो यूनिफॉर्मली नहीं होगा, क्योंकि इस इनफाइनाइट थ्रेड से इस कंडक्टिंग प्लेन के अलग अलग पॉइंट्स के डिस्टेंस अलग अलग है। और हम जानते हैं कि इस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट राइट साइड वाले फेस पर नहीं पड़ेगा। तो हमें सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए पहले यह जानना होगा कि इस थ्रेड की प्रेजेंस के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है और उसका नेचर क्या है, उसकी डायरेक्शन के बारे में पता करना होगा। तो ध्यान दें, हम जानते हैं कि इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन पर बेस्ड प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उनके कैलकुलेशंस डिफिकल्ट होते हैं, तो हम इन्हें इमेज मेथड से सॉल्व करते हैं। इमेज मेथड को हम अपने थ्योरी में एक टॉपिक के रूप में पढ़ाते हैं। इमेज मेथड का यूज करके ही आज इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दें किस तरह से इस इनफाइनाइट थ्रेड का इमेज क्रिएट किया जाएगा। जैसा कि रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो इस इनफाइनाइट थ्रेड से एल डिस्टेंस अपोजिट साइड हमें एक थ्रेड और क्रिएट करना होगा जिस थ्रेड की चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा होनी चाहिए। हम जानते हैं कि इमेज मेथड में हमें एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन इस इनफाइनाइट प्लेन के लिए क्रिएट करना पड़ता है जिससे ये दोनों चार्ज सिस्टम मिल करके इस प्लेन को इक्विपोटेंशियल प्लेन बनाए रखें। यानी इस प्लेन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि ये प्लेन इस चार्ज सिस्टम के प्लेस करने से पहले भी एक इनफाइनाइट जीरो पोटेंशियल का प्लेन था। ध्यान दें कि माइनस लैम्डा डेंसिटी के थ्रेड को प्लेस करके अब इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन को हटाया जा सकता है। यानी अब मुझे इस रीजन के इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों थ्रेड के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना होगा।
और ये फील्ड वही होगा जो फील्ड ये थ्रेड इस इनफाइनाइट प्लेन में इंड्यूस होने वाले चार्जेस के साथ मिलके डेवलप करती। एक बात जो हर बार मैं बताता हूं, एक बार फिर से बताऊं कि इस तरीके के कैलकुलेशन केवल लेफ्ट साइड के लिए वैलिड रहेंगे, राइट साइड पर इस चार्ज की प्रेजेंस से चेंजेस आ जाएंगे, सो राइट साइड पर आप इस तरह का चेंज नहीं कर पाएंगे। ये बात स्टूडेंट याद रखें कि आप इमेज मेथड में केवल इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन के चार्ज के नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से बचने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और वो सब्स्टिट्यूशन केवल इस साइड सभी पॉइंट पर वैलिड होता है। आप ये समझ सकते हैं कि इस तरफ बनने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस जो इस चार्ज्ड थ्रेड के आने से पहले बन रही थी और जो इस चार्ज्ड थ्रेड के आने के बाद इस प्लेन को हटा के बनेंगी वो अलग अलग होंगी। सो इस रीजन पर हम इस तरह के चेंजेस से कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ये कैलकुलेशन केवल उस साइड पर वैलिड है जिस साइड पर वो चार्ज्ड सिस्टम प्रेजेंट है जो इंडक्शन कर रहा है। अब ध्यान दें कैसे हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं कि एक इनफाइनाइट थ्रेड के कारण किसी डिस्टेंस जेड पर, मैं इस डिस्टेंस को आर्बिट्रेरीली जेड पुट कर रहा हूं, सो इस इनफाइनाइट थ्रेड के कारण इस पॉइंट पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। आप याद रखें कि मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के जस्ट लेफ्ट पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहा हूं, इसे मैं प्लेन के अंदर किसी पॉइंट पर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं इसे राइट साइड के किसी पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहा हूं। ये पॉइंट जस्ट इस प्लेन के लेफ्ट साइड है। सो जेड डिस्टेंस के इस पॉइंट पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जानते हैं कि एक इनफाइनाइट थ्रेड के फॉर्मूले को यूज करके कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, 2k λ/z, और इसकी डायरेक्शन इस जेड वेक्टर की डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। अगर मैं इसे जेड वेक्टर कहूं तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से आना चाहिए। सो अगर इस एंगल को थीटा कंसीडर करके मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टोरियली प्रेजेंट करूं आई और जे वेक्टर की हेल्प से, तो इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली जो मैंने बोर्ड पे बनाया है आपके लिए, मैं लिख सकता हूं 2k λ/z cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे। यानी इतना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इस पॉइंट पर इस थ्रेड के कारण, और क्लियरली ऐसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस लैम्डा के कारण भी डेवलप होगा, और हम जानते हैं कि उसका डायरेक्शन उस इनफाइनाइट थ्रेड जिसकी डेंसिटी निगेटिव है के अलोंग होगा। हम समझ सकते हैं कि सिमेट्री के कारण ये डिस्टेंस भी जेड होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं इमेज मेथड में इमेज थ्रेड को एल डिस्टेंस दूसरी ओर बनाया गया होगा और ये दोनों एंगल 90-90 है, ये डिस्टेंस कॉमन है दोनों में, एक्स जिसे बोला जा रहा है। सो इन दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल में इस डिस्टेंस को भी जेड ही होना चाहिए। सो इस थ्रेड के कारण इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसे हम लिख सकते हैं 2k λ/z। अब यहां ध्यान दें कि मैंने इस नेगेटिव थ्रेड के इलेक्ट्रिक फील्ड के केवल मैग्नीट्यूड को लिखा है, क्योंकि अब मैं डायरेक्शन को प्रेजेंट करूंगा एक वेक्टर के रूप। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि अगर आप माइनस लैम्डा इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो फिर आप यह मान के चलेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। सो अगर स्टूडेंट डायरेक्शन को अलग से प्रेजेंट करना चाहता है तो उस मेथड में उसे केवल मैग्नीट्यूड ही लिखना होगा, और अब आप वेक्टर लिखेंगे। इस डायरेक्शन के वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक माइनस जे एक्सिस के अलोंग। सो मैं इसे लिख सकता हूं कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, और क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट आएगा उसका वैल्यू होगा 2k λ/z इंटू 2 × cos θ i कैप। जे कंपोनेंट को कैंसिल होता हुआ आप देख पा रहे हैं अब ये बन जाएगा 4k λ/z, और इसी स्टेप में अगर मैं cos थीटा की वैल्यू अप्लाई कर दूं तो इसे होना चाहिए l/z। इस ट्रेंगल में कैलकुलेशन किए जा रहे हैं, सो इसे l/z अप्लाई करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें P पॉइंट पर मिलेगा इन दोनों थ्रेड के कारण, या यूं कह लीजिए कि इस इनफाइनाइट प्लेन और इस थ्रेड के कारण, वो होगा EP = 4k λ/L / z²
अब ध्यान दें कि जेड स्क्वायर को पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, सो इस चेंज के बाद ईपी को लिखा जा पाएगा कुछ इस तरह से। सो ईपी वेक्टर का वैल्यू कैलकुलेट हुआ है 4k लैम्डा एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आई क्या, और अगर k का वैल्यू 1/4πε0 अप्लाई कर दिया जाए तो 1/4πε0 अप्लाई करने पर 4 से 4 को कैंसिल करने के बाद जो ईपी वेक्टर का वैल्यू हमें मिलेगा वो होगा लैम्डा एल अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आई। सो कुछ इस तरह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को दिया जाएगा और इसका डायरेक्शन आई कैप है। इसका अर्थ है कि ये लाइंस इस मेटेलिक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन में इनवर्ड डायरेक्शन में डेवलप हो रही है। अब अगर मैं इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन के इस पी पॉइंट के नियरर सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा कंसिडर करूं, चूंकि सेंटर सिमेट्रिक पॉइंट ओ से ये एक्स डिस्टेंस वाला पॉइंट है, तो यहां पर अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा एक्स सिंबल से प्रेजेंट करूं तो हम जानते हैं कि कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली कोई कंडक्टर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए अपने नियर बाय आउटर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट फॉर्मूले से दिया जाता है। तो सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट ये वैल्यू होनी चाहिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब यहां पर ध्यान दें, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सिग्मा निगेटिव होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव थ्रेड के सराउंडिंग में, पॉजिटिव थ्रेड की सराउंडिंग में रहने वाली इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन के इस फेस पर निगेटिव चार्ज डेंसिटी का चार्ज डेवलप होगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इस सिग्मा के साइन को कंसीडर किए बिना इस प्रॉब्लम को करना चाहता है तो वो अपने इस आंसर को एज यूजुअल आउटवर्ड डायरेक्शन में ही कंसीडर करे। अब यहां पर ध्यान दें कि अगर डायरेक्शन को प्रेजेंट करना हो तो मैं यहां पर एक माइनस आई वेक्टर प्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर ध्यान दें, क्योंकि हम जानते हैं कि सिग्मा एक निगेटिव नंबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पॉजिटिव थ्रेड की सराउंडिंग में इस इनफाइनाइट प्लेन पर निगेटिव डेंसिटी का चार्ज डेवलप होगा। सो माइनस आई वेक्टर लिख करके मैं इसके निगेटिव को प्लस में कन्वर्ट कर रहा हूं। सो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होना चाहिए इस पी पॉइंट पर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के अकॉर्डिंगली अगर कैलकुलेट किया जाए तो कंडक्टर के फॉर्मूले को यूज करने पर इस पोजीशन पी पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होना चाहिए। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया जा रहा है जैसे हमने इमेज मेथड से कैलकुलेट किया है। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट कर रहे हैं तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करने पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप को इक्वल होना चाहिए लैम्डा एल अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आई कैप। और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल किया जा सकता है और आई के कोफिशियंट कंपेयर किए जा रहे हैं, सो माइनस को राइट शिफ्ट करने पर ये बन जाएगा माइनस लैम्डा एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो कुछ इस तरह से सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। एक बात यहां पर और ध्यान दें, एक पाई का टर्म और डिनोमिनेटर पे आना चाहिए, कुछ इस तरह से सिग्मा को प्रेजेंट किया जाना चाहिए सिग्मा इक्वल टू माइनस लैम्डा एल अपॉन पाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक बात पे ध्यान दें, यहां पर मैंने माइनस आई वेक्टर प्रेजेंट किया है तो कई बार स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि सर इसका डायरेक्शन तो आई वेक्टर के अलोंग होना चाहिए, ये एक निगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है। तो ध्यान दें, जब आप आर्बिट्रेरी केस सॉल्व करते हैं यानी जब तक आपको सिग्मा की वैल्यू नहीं मालूम है तो आप ये मान के कैलकुलेट करेंगे कि सिग्मा एक नंबर है, अभी आपको नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, सो आप उसको बाय डिफॉल्ट एक पॉजिटिव नंबर मान के कंसिडर करेंगे। और अगर सिग्मा को पॉजिटिव नंबर मान के आप लाइंस के बारे में सोचें तो क्लियरली इस मेटालिक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन से ये लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में डेवलप होंगी। चूंकि इस सिग्मा की वैल्यू अननोन है तो प्रॉब्लम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने सिग्मा में माइनस आई वेक्टर को कंसिडर किया है। माइनस आई वेक्टर को कंसिडर करने पर जब मैंने इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर किया तो कंपेयर करने पर सिग्मा का वैल्यू निगेटिव आ गया। इसका अर्थ है कि अगर आप
किसी क्वेश्चन को बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे तो एसोसिएटेड टर्म्स की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव में खुद कैलकुलेट होगी। तो आप कभी भी इस तरह के कैलकुलेशन करते हैं तो सिग्मा की वैल्यू को आप पहले से ही माइंड क्रिएट ना करें। जैसे यहां ध्यान देंगे, अगर आप सिग्मा का वैल्यू नेगेटिव है ये पहले से ही माइंड क्रिएट करके रखते तो आप इस वेक्टर को डेफिनेटली आई कैप के अलोंग लिखते, क्योंकि तब आप ये कहते कि इस कंडक्टिंग प्लेन में लाइनें अंदर को आ रही हैं। तो आप इसे आई वेक्टर से प्रेजेंट करते एक्स एक्सिस के अलोंग, और तब आप इस कंपैरिजन में यहां पर प्लस आई वेक्टर लिखने के बाद जो सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करते वो प्लस में आती। हालांकि वो वैल्यू भी सही है, वो वैल्यू प्लस में इसीलिए कैलकुलेट हुई क्योंकि आप समझदार हैं और आपने सिग्मा को अपने माइंड में पहले से ही नेगेटिव कैलकुलेट करके रखा है। आपके माइंड ने पहले ही मेंटेन कर लिया है कि ये माइनस साइन के साथ है, और यही वजह है कि आपने आई वेक्टर लिखा, और आई वेक्टर लिख करके आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आ। वो आंसर भी सही होता क्योंकि उस केस में सिग्मा को आप केवल एक न्यूमेरिकल नंबर मान रहे हैं, उसका साइन उसके साथ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और चूंकि आपने सिग्मा को केवल एक न्यूमेरिकल नंबर के रूप में लिखा तो आपका आई वेक्टर इससे कंपैरिजन होने पर सिग्मा की वैल्यू को पॉजिटिव देगा। लेकिन इसमें कई बार ये मिस्टेक हो जाती है कि एग्जाम में प्लस माइनस सभी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं और जल्दबाजी में प्लस वाले ऑप्शन को हम पिक कर लेते हैं। सो सिग्मा की वैल्यू को प्लस कंसिडर करते हुए जो जो कैलकुलेशन आप बना सकते हैं वो बनाए। जैसे सिग्मा को अपने माइंड में प्लस कंसिडर करके मैंने माइनस आई वेक्टर लिखा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लाइंस बाहर को जानी चाहिए सरफेस से प्लस साइन के लिए, और फिर कंपैरिजन करके लैम्डा का वैल्यू माइनस आया तो हमने फाइनली जस्टिफाई किया कि अरे हम तो प्लस मान के चले थे, ये माइनस में आया, इसका मतलब इस सरफेस की डेंसिटी निगेटिव है, यही वजह है कि ये लाइन है इनवर्ड। सो इस तरह से आप इमेज मेथड और कंडक्टर की प्रॉपर्टी एक साथ यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।